दूसरा लेसन है। कल इंट्रोडक्शन था और पहले इससे उससे पहले इंस्टॉलेशन थी। अब हमारा फिर ये इंटरफेस का मतलब लेक्चर है ये। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था ऑफिस बटन के बारे में, ठीक है। ऑफिस बटन जब हम क्लिक करते हैं, पहले ऑफिस बटन रहता है, ऑफिस बटन क्लिक करते हैं ऑफिस मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने स्टार्ट मेन्यू का बताया था, याद है किसी को? ठीक है, तवज्जो से सबक पढ़ो, तवज्जो से इस तरह पढ़ा करो कि मुझे जो मैंने बात बताई जा रही है मैंने अभी एक्सेप्ट कर लेनी है, इसके बाद मुझे याद रहेगी। इस तरीके से पढ़ते हैं, ना कि यार मैं बाद में वीडियो सुन लूंगा ये हो जाएगा। फौरन सुनो, फौरन एक्सेप्ट करो, उसी वक्त उसके मुजाकरा करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ऑफिस बटन के बारे में बता रहा हूँ कि ऑफिस बटन जब तक क्लिक नहीं करते, ऑफिस बटन जब क्लिक कर देते हैं ऑफिस मेन्यू खुल जाता है, ऑफिस बटन मेन्यू खुल जाता है। सबसे पहली फर्स्ट कमांड है, पहले ये देख लेती हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट होती है जो अभी अभी खोली हो, ठीक है ना। यहाँ पे हिस्ट्री आपकी सेव होती रहेगी, यहाँ बहुत सारी फाइलें आपको नजर आया करेंगी। वो फाइल्स होंगी जो आपने इससे पहले बना के सेव की होगी, जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जानते हैं? Yes, sir. चंद मिनट पहले कोई फाइल बनाई हो उसको सेव कर दिया हो, उससे पहले चंद मिनट पहले कोई फाइल बनाई हो उसको सेव कर दिया हो, उसने कहना है कि यहाँ पे उसका सारी लोकेशन बता दिया करेगा। अगर वो क्लिक करोगे तो अब से दो घंटे पहले वाली फाइल आपकी दोबारा खुल सकती है, आपको नहीं मिल रही। अगर वो सेव हुई आपके कंप्यूटर में, अगर तो आपने डिलीट कर दी लेकिन उसका लोकेशन आती रहेगी, आप क्लिक किया करोगे वो मैसेज आ जाएगा, रहेगा डायलॉग बॉक्स, भाई आपकी वो फाइल अभी मौजूद नहीं है, आपने अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दी है। अगर होगी कहीं भी लोकेशन पे होगी, आपने कहीं भी सेव की होगी, किसी भी डी सी ई में पार्टीशन में की होगी, तो आप उसको दोबारा खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट वो आ रही होगी। उसके नीचे वर्ल्ड ऑप्शन, वर्ल्ड ऑप्शन ये थोड़ी डिटेल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, इसको सर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं इसका भी, थोड़ा बहुत इसमें क्या है, तो इसके बाद इंशाल्लाह इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पहला होम वाला जो क्रिएट कर लें, ताकि हमारी थोड़ी सी बेस बन जाए सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये थोड़े से मुश्किल पॉइंट, इसमें से थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले है जी कलर स्कीम। आप जो आपको नजर आ रहा है इस कलर जो नजर आ रहा है ये वाला ब्लू कलर, आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हो। अगर किसी को ब्लू कलर पसंद नहीं है, किसी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो ब्लैक कलर कर सकता है, ठीक है। ब्लैक कलर करे यहाँ से, और करने के बाद यहाँ से क्या कर दे, ओके, तो हमारा सारा का सारा लुक जो है सॉफ्टवेयर की ब्लैक हो गई। तो कहता है मैं ब्लैक कलर को पसंद करता हूँ तो ब्लैक कर ले, ठीक है। अब दोबारा ऑफिस के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे वर्ल्ड ऑप्शन पे गया, जाके मैं इस कलर को ब्लू की बजाय सिल्वर कर देता हूँ, सिल्वर भी बहुत ज्यादा कलर चलता है, ठीक है, हल्का और बिल्कुल सादा सिंपल सा होता है, आंखों को नहीं पड़ता ज्यादा, ये ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ कहता है कि सिल्वर कलर, सिल्वर कलर कर ले, ठीक है इस तरह। लेकिन मैं अपना डिफॉल्ट है ब्लू, ब्लू ही रखूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तीन चार टैब्स मौजूद, पहले ये एक टैब है, एक ये टैब है, एक ये, तीन चार पाँच छः सात टैब्स हैं, और एक टैब जो यहाँ पे उन्होंने दूसरा कहते हैं हाइड किया हुआ है, उस टैब को अगर लाना चाहें तो आप यहाँ से ला सकते हो और आप ये टैब ले आए, ताकि हम इसको पढ़ना भी है इसको, ठीक है। वो लिखा हुआ है शो डिवेलपर टैब इन द रिबन, क्योंकि इसको हम रिबन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आपने पढ़ा था, जिसने नाम याद किया होगा उसको अब आगे चलना बहुत आसान होगा, रिबन कहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने रिबन बना दिया, ये रिबन इस सॉफ्टवेयर में आया, इससे पहले 1999 उसमें नहीं था ये रिबन, अब इन्होंने नया नाम दे के उसका रिबन का नाम बता दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिबन कहलाता है ये वाला, ठीक है। पहले मेन्यू हुआ करता था और स्टैंडर्ड टूल बार हुआ करती थी, उससे ही काम चल जाया करता था, लेकिन ये रिबन बना के हर चीज आपके सामने रख दी जो इसके अंदर से खुला करती। पहले इस तरह के मेन्यू हुआ करते थे, यहाँ पे क्लिक किए करते थे तो यहाँ से इस तरह का मेन्यू खुलता था, जिस तरह के हम विंडोज के अंदर खोलते हैं, लेकिन इस पर भी रिबन बन चुका, क्योंकि मेरे विंडोज 8 है मेरे पास, आप वो आपके पास 7 है, आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाती है, जिस तरह ये खुलती है इस तरह नीचे की तरफ, ठीक है ना। उसको ये जो चीज़ नीचे की तरफ क्लिक करने से खुलती हो, उसकी लिस्ट खुलती हो, उसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू। कहीं भी जगह आपको मतलब ये मिलेगा, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे क्लिक कर रहे थे वर्ल्ड ऑप्शन,
और यहाँ पे ये चीजें नीचे की तरफ खुल रही ना, yes, ये क्या चीज है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, आपने ये नहीं करना ये कि यहाँ से क्लिक करो लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में से दूसरे बटन पे क्लिक करो। आप ये लफ्ज इस्तेमाल किया करो आपस में बताते हुए, किसी को समझाते हुए, किसी को सुनते हुए कि इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं भाई। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि पहले जो वर्जन के अंदर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू हुआ करती थी, इंसर्ट पे क्लिक करते थे तो इंसर्ट का एक मेन्यू खुलता था ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसके अंदर सारे ये चीजें, ये ऑप्शन है सारे उसी के अंदर हुआ करते यहाँ। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट 2007 है, थोड़ा सा उन्होंने आसान करके पेश करने की कोशिश की कि आप इंसर्ट पे क्लिक करो, आपको दोबारा क्लिक करना नहीं पड़ेगा, हर चीज आपके सामने आ जाएगी रिबन की शक्ल में, तो आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपकी वो चीज खुल सकेगी। ठीक है, आप अप्लाई करवा सकते हैं, अपना काम जल्दी कर सकते हो पहले की बनिस्बत। ठीक है, ये सारे के सारे रिबन बाद निकली थी कि ये सारे के सारे रिबन है और हमारे पास एक यहाँ पे रिबन वहां पर शो नहीं हो रहा। तो ठीक है, वो कहते हैं अगर आपने शो करवाना है तो वर्ल्ड ऑप्शन में जाए, जाके शो डेवलपर टैब इन द रिबन। ठीक है, डेवलपर टैब एक आ जाएगा, टैब तो पता ही ना, एक से दूसरी की तरफ जाना हो तो टैब कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डेवलपर का एक टैब यहाँ पे नजर आएगा, नजर आना शुरू हो गया डेवलपर का टाइप। ठीक है, इसको भी हमने पढ़ना है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड करवा दिया। ठीक है, ये आप ऐड कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी डिटेल से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ जस्ट आपको तारफ करवा रहा हूँ कि इसके अंदर सेटिंग्स हुआ करती है। ठीक है, मैं डिस्प्ले के अंदर आया, इसके अंदर भी सारी की सारी सेटिंग्स हैं, स्पेस है, मैं स्पेस पे क्लिक करूँ तो आप किसी जगह स्पेस का बटन प्रेस करो तो कितनी जगह छोड़ के आगे चला जाए, इस तरह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके आगे है मेरे पास प्रूफिंग। प्रूफिंग में एक चीज़ हमें नोट करनी है जो हमने पढ़नी है अभी, ताकि आपको जब टेक्स्ट लिखते हुए आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ सबसे पहले इग्नोर, इग्नोर जानते हैं किसे कहते हैं? चलो आइंदा मैं इस बात, जो आपने गलती की है मैं इग्नोर करता हूँ, आइंदा नहीं करूंगा, आपकी पटाई क्या करूंगा। ठीक है, इग्नोर करना, ये कहता है कि अपर केस जितने भी लफज हैं, अपर केस कहते हैं ये जो एबीसी लिखते हो ना, बड़ी एबीसी जिसे कहते हैं, ये अपर केस में लिखी जा रही है, इसे कौन सी फील्ड कहते हैं? अपर केस। अगर मैं छोटी में लिखूं तो ये लोअर केस होती है। ठीक है, ये लफ्ज इस्तेमाल ये अभी याद कर लिए, जब वेब में भी इस्तेमाल होगा, वेब केस के लिए मखसूस टैग होते हैं, अभी से आप याद रखोगे तो आपके आगे आगे वाले सॉफ्टवेयर में चलना बहुत आसान होगा। एक सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से पढ़ने से बाकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर हल हो जाते हैं, सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी, वो इस सॉफ्टवेयर में कहां बटन है उसका। ठीक है, अपर केस और लोअर केस, ठीक है, ऊपर लिखे हुए हैं स्पेलिंग सारे दोनों के। ठीक है, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्ड ऐसा सॉफ्टवेयर है इसमें कोई भी वर्ड आप लिखोगे तो अगर वो गलत होगा तो आपकी निशानदेही के लिए उसके नीचे रेड कलर की एक लाइन लग जाएगी। ठीक है, रेड कलर की एक लाइन लग जाएगी, आपका लफ्ज सही नहीं है। और कुछ लफ्ज ऐसे हैं कोई इन्होंने पहले से ही ऐड कर दिए कि आपने वो लफ्ज गलत लिखोगे तो मैं खुद ब खुद सही कर दूंगा, उसके नीचे लाइन नहीं लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पेलिंग सही है? Yes, sir. बिल्कुल सही है। Yes. अगर मैं दो मर तो देखिए मैं स्पेस दबाता हूँ, कंप्यूटर की स्पेलिंग सही है। अगर मैं दो मर तो आर लिखा और स्पेस दबाई, नीचे मेरी वो रेड कलर की एक लाइन आ गई। तो अब क्या होगा, अब उसने बताया कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, करने के बाद मेरे पास ये कंप्यूटर का लफज असल जो स्पेलिंग है वो इसमें अवेलेबल है मेरे। ठीक है, अगर कोई लफ्ज़ की स्पेलिंग नहीं आते हो आप गलत लिख लो वर्ड के अंदर, लिखने के बाद उसको सही करने के लिए राइट क्लिक करो, वहाँ आपको आपका ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसने दो मुझे ऑप्शन दिए, कंप्यूटर और कंप्यूटर्स, आप कौन सा लिखना चाहते थे? उसने समझा, उसने पहले जो हमारी ये बात समझी कि शायद इसने कंप्यूटर लिखना था और आर गलती से दब गया, आगे दूसरा आर गलती से दब गया, एक आर आना था ना आखिर में, और दूसरा उसने ये समझा कि शायद इसने आर की जगह एस लिखना था आखिर में, कंप्यूटर्स जमा लिखना चाहता था, शायद इसलिए उसने आर लगाया हो दूसरा। उसने दोनों ऑप्शन मेरे पास दे दिए, आपने कौन सा लिखना चाहते हो? तो मैंने वहाँ कंप्यूटर कर दिया, तो कंप्यूटर मेरा लफ्ज सही हो गया। ठीक है, और कई मरतबा होता है कि मैं डबल ई लिखूं, कंप्यूटर स्पेस दबाया, ये भी गलत। ठीक है, अब मैं अच्छा ये चीज़ तो मेरी सही खराब कर रहा है, अब ये क्या है लोअर केस। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अपर केस में लिखूं, अपर केस में कैप्स लॉक ऑन किया कीबोर्ड से, करने के बाद कंप्यूटर, ठीक है, लिखने के बाद मैंने स्पेस दबाया, सही है। अब दो मरतबा आर लिखता हूँ, स्पेस दबाया, तो गलती निकाली नहीं इसने, ले क्यों नहीं लगा ली गलती इसने, कि जहां मैं ऑप्शन आपको दिखा के आया था वहां उसने लिखा हुआ था अपर केस को इग्नोर करो,
अपर केस जहां भी लिखा जाए उसको आप चेक ना करो, चेक करने के बगैर ही उसको कह दो ठीक है, अपर केस जितने भी लिखोगे सही है, लेकिन हमें यह चीज गलत लगती है। ठीक है, हम इसको अपर केस को भी चेक करवाने के लिए वहां पे जाते हैं, भाई अपर केस को भी चेक करना है, तो वह इग्नोर का जो चेक लगा हुआ है प्रूफिंग के अंदर, इग्नोर वर्ड इन अपर केस, मैं उसको चेक को खत्म अनचेक कर देता हूँ, इन चेक को क्या कर देता हूँ, अनचेक किया, तो मेरा अपर केस की वो उसकी मतलब उसको रीडिंग करना शुरू कर देगा, जब मैंने किया तो उसने गलती निकाल दी कि अपर केस भी खराब है आपका। आवे समझ अपर केस की? ये चीज मैंने अभी से बताई है ताकि बाद में पढ़नी थी, लेकिन अभी बता दी ताकि आप लिखते वक्त आपको प्रॉब्लम ना करे, लेकिन आप दो महीने लिखे अब सही हो गया, ठीक हो गया, ये चीज वहां पे आपने उसको सही कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी मेरे पास प्रूफिंग के अंदर और क्या बताना था, वर्ल्ड द कंटेंट नंबर्स। और सुनो, कहता एक चीज को मैं और इग्नोर करूंगा, वो कौन सी चीज है वो देखिएगा, कंप्यूटर लिखा, लिखने के बाद साथ ही उसके बगैर स्पेस के मैंने वन लिख दिया, लिख के मैंने एंटर दबाया, कोई गलती निकाली नहीं, लेकिन इसका मतलब भी अच्छी तरह नहीं हमें समझ आया कि कंप्यूटर वन क्या चीज है, अगर वन लिखना ही था तो स्पेस दबा के क्यों नहीं लिखा आपने, ठीक है ना, मतलब हमारी तरफ से ये रॉन्ग है, तो हम इसको चेक करवाना चाहते हैं, लेकिन चेक करने के लिए वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि किसके वर्ल्ड के साथ अगर न्यूमेरिक आ गई, नंबरिंग आ गई, तो उसको चेक ना करो, इसको इग्नोर कर दो, तो लेकिन हमें चेक करवाना है इसको भी, कई बार तो हम टेक्स्ट लिखेंगे हमारा ये गलत खराब हो जाएगा तो हम उसको चेक करवाया करेंगे, हमने वहां पे जाके वो इग्नोर वाली चीज अनचेक कर देते हैं कि इसको भी चेक करो, ठीक है, और अल्फाबेटिक और ये सात नंबर लिखे हों दोनों आपस में मिल जाए, स्पेस ना हो, तो उसको चेक करके गलत हमें रॉन्ग का जवाब दो। ठीक है, मैं वर्ल्ड ऑप्शन में गया, जाके प्रूफिंग में गया और इस चीज को मैंने अनचेक कर दिया कि भाई ये भी चेक करो, ठीक है, मैंने ओके किया तो उसने मेरा गलत लफ्ज बता दिया कि ये आपने कंप्यूटर वन गलत लिखा है, अगर लिखना ही था तो स्पेस दबा के क्यों नहीं लिखा, स्पेस दबा के लिख लेते मैं कौन सा गलत करने वाला था, अगर आपने उसके साथ लिखा तो ये गलत चीज है, ये असूल के खिलाफ है, कायदा को लिखा पैराग्राफ लिखने के खिलाफ है कि आपने कोई भी इंग्लिश का लफ्ज लिखा साथ ही एक दो लिख दी, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं ये अपर केस मतलब ये सारी इग्नोर चीज हर चीज मेरी मतलब मैंने जो ठीक सेटिंग कर दी है उसी तरह रहे, लेकिन मैं लिखना भी इसके साथ चाहता हूँ और ये चीज खराब खत्म हो जाए, और आपको ये बात मैं बता दूं, ये जो लाइन है रेड कलर की सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन करने के लिए है, इन्फॉर्म करने के लिए भाई आपने गलत लिखा, मत समझिएगा कि ये नीचे रेड वाली लाइन हमारे प्रिंटर के जरिए से वो पेज पे निकलेगी, पेज पर सिर्फ ये कंप्यूटर वन ही लफ्ज निकलेगा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की हद तक महदूद है ये लाइन, ठीक है, आपको सही करवाने की हद तक है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इसको भी ये लाइन भी खत्म हो जाए और मेरी ये प्रोफाइल अच्छी लगे तो मैं यहाँ से इग्नोर भी करवा सकता हूँ, एक लफ्ज को इग्नोर करवा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर इस तरह के लफ्ज कई लिखे हों कंप्यूटर वन इग्नोर ऑल करवा सकता हूँ, उनको जितने भी इस जैसे लफ्ज हों सारे को इग्नोर कर दे और ये चीज़ रेड वाली लाइन खत्म हो जाए, मैं इग्नोर किया तो उसने रेड वाली लाइन खत्म कर दी और हमारा वो चीज़ दोबारा अपेयर हो गई, मैं दोबारा इसको इग्नोर करवाता हूँ, खत्म, नीचे आ जाता हूँ उसको खत्म करवा देता हूँ वहां जाए, ठीक है, इस तरह मैं इग्नोर करवा सकता हूँ उसको, आवे समझ किसी को नहीं आवे? Yes, sir. ये अपर केस और लोअर केस का मतलब ये पता लग गया दोनों का? Yes, sir. ठीक हो गया, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे हम, आज सिर्फ हमें मैं सिर्फ इंटरफेस चेक करवाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा काम करना आ जाए, ये ना हो कि हम एक तरतीब से शुरू कर दें लेकिन आप वो काम जो आप उसे करना चाहते हैं वो कर ना पाए, ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन होगा, ये देखें लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज एंटीवर्स सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसने बताया हुआ भी क्या चीज़ है। अच्छा आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे थे फाइल के अंदर वर्ल्ड ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग भी हो गई और सेव के अंदर क्या चीज़ पढ़ने वाली कुछ नहीं। अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं, हमने एक चीज़ कल पढ़ी थी कि अगर आपके पास 2007 आपके पास ये वर्जन मौजूद है वर्ल्ड का, तो किसी आपके दोस्त के पास 2003 है तो आप अपनी फाइल उसको देना चाहते हो तो उसके वर्जन में क्यों नहीं चल पाती, सवाल पैदा हो है, बताया था ना मैंने कल, तो उसके लिए हम एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं कि वो जो हमारे पास वहाँ ये वाला सेव का ऑप्शन है वहाँ पे एक खास फाइल का हम ये एक्सटेंशन सेव करवाते हैं, इसमें वजह क्या है कि ये उसमें क्यों नहीं चल पाती, मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि लो वर्जन हाई में नहीं चल सकती, लो वर्जन हाई में चल सकते हैं और हाई वर्जन लो में नहीं चल सकते, ठीक है, ये बात भी हो गई,
लेकिन उसके अंदर एक और मेन्यू छूट गया जो हमें असल पता होना चाहिए था, ठीक है, उसको अभी अब डिस्कस करते हैं हम। असल में जो जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उनकी फाइल की एक्सटेंशन होती है DOCX। अभी हमारी ये वाली जो क्या कहते हैं वर्जन है, इसको हम सेव करवाएंगे, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? DOCX। यही है, चेक कर लेते हैं कोई फाइल सेव हुई हुई हमारी इस पर की। हम यहाँ पे एक इसको सेव करवाते हैं कंट्रोल एस की कमांड से। डेस्कटॉप पे गया, जाके मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, ये देखें DOCX, इसी तरह एक्सटेंशन लिखी हुई है, ठीक हो गया। और जो पुराने वर्जन थी उनकी एक्सटेंशन सिर्फ DOC हुआ करती थी। असल जो आपको ये फर्क पता होना चाहिए ये है कि पुराने वर्जन जो है उनकी एक्सटेंशन .doc हुआ करती थी, जो नए वर्जन है उनकी .docx हुआ करती है। तो ये बात याद रखना, जिसकी एक्सटेंशन .docx होगी वो .oc में नहीं खुल पाएगी, ठीक है। जब एक्सटेंशन ही चेंज होगी, टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, तो हम उसको पुराने वर्जन में बड़ी मुश्किल से खोल पाएंगे, ठीक है। ये वजह और फर्क आपको मैं आपसे मैं पूछ सकता हूँ किसी वक्त भी, ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन है उनकी एक्सटेंशन कौन सी है? DOC। वो जो पुराने वर्जन है उनकी DOC, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको, ओल्ड ऑप्शन पे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। सेव के अंदर गए और उसने कहा कि आपकी फाइल जब भी आप सेव करते हो वर्ल्ड के अंदर, जो 2007 के अंदर आप जब सेव करते हो, तो उसकी एक्सटेंशन डिफॉल्ट DOCX ही है। अगर आप चाहते हो उसकी डिफॉल्ट मैं कर दूं कि DOCX ना हो बल्कि 97-2003 टेम्पलेट में हो, तो मैं उसको ये करवा दूंगा, ठीक है। और उसके मैं अगर ये चाहता 97-2003 तक मैं, क्यों मैंने आपको बताया था ये करवा दो। अगर उससे भी पीछे चले जाओगे तो एक DOT की एक्सटेंशन भी हुआ करती थी, लेकिन आपने इसको याद रखना है, ठीक है। DOC अगर मैं चाहता हूँ, अगर सेव मेरी हर फाइल सेव होने वाली इस मतलब कैटेगराइज में जाके सेव हो, तो फिर ये फाइल आपके हर वर्ल्ड के अंदर खुल सकती है। जितने भी वर्जन आएंगे, पिछले पुराने अगले, सारे के सारे में ये फाइल खुल सकती है। और अब मैं देखना, इसको ओके करवा दिया मैंने, अब इसको मैंने सेव करवाता हूँ। देखो इसकी एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या हुई? अब जब भी कोई फाइल सेव किया करोगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? DOC। और कई लोगों ने इस तरह इसको सेटिंग कर ली होती है, लेकिन आप जैसे चाहे मुनासिब हो, क्योंकि आपके साथी सारे के पास 2007 ही है, तो आप इस तरह करें कि 2007 की एक्सटेंशन ही रहने दें, ठीक है। अगर आपने किसी को फाइल भेजनी हो, या फिर कैसे ऐसी फैक्ट्री में किसी भी जगह जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे आपकी एक्सटेंशन DOC कर लिया करो, ताकि उसकी फाइलें पता नहीं कहाँ कहाँ तक जानी होती हैं, किन किन के पास जानी होती हैं, उनके पास पता नहीं कौन से वर्जन हुआ करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं इसको DOCX ही कर देता हूँ। बाकी ये है सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन द 10 मिनट, ये खुद ब खुद सेव हो जाना, ये फाइलें खुद ब खुद। देखें उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चीज़ नोट कीजिएगा, डिफॉल्ट फाइल लोकेशन। आप जो भी फाइल आपने सेव किया करोगे, अगर उसको ना बताओ बेटा आपने कहाँ जाना है, तो वो कहाँ जाएगी? ये देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएगी, ठीक है। डिफॉल्ट की हुई, अगर आपने कोई ऐसा फोल्डर बना दिया कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ई के अंदर मैं एक फोल्डर बना दूँ, ठीक है, उस पर रख देता हूँ जी वर्ल्ड फाइल्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस फोल्डर को डिफॉल्ट करवा दूँ, जो भी काम करूँ, कहते होते ना पंजाबी अन्य वाई, मैं सेव करा जल्दी जल्दी तो इतने फाइल आ जाएंगे, ठीक है, मैं ना बताऊँ किसी को। अब देखना मैं इसकी मैं सेटिंग करवा देता हूँ डिफॉल्ट की। भाई जाओ डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर के अंदर जाओ, जाके अंदर ई के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है वर्ल्ड फाइल के नाम से, उस फोल्डर ये लोकेशन मैंने दे दी। अब देखो ई स्लैश के मीन अगला फोल्डर, अगली चीज
अगर वर्ल्ड फाइल्स स्लैश वो जो आपकी फाइल का नेम होगा, अब मैंने उसको ओके करवा दिया, ठीक है। अब मैंने करवा के क्या किया जी, दोबारा मैं सॉफ्टवेयर खोलता हूँ अपना, वर्ल्ड खोला, खोलने के बाद कुछ भी टाइप किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैंने सेव करा दिया। अब कहाँ गई होगी फाइल मेरी, पक्की बात है। अगर ना गई हो फिर पक्की बात है भाई, वहीं गई होगी, ये देख लो, वहीं जानी। जब हमने उसको डिफॉल्ट बता दिया भी आपने कहाँ जाना है, पहले डिफॉल्ट था डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कहाँ होता है पता है किसी को, उसी पार्टीशन के अंदर। आप यहाँ देखते हैं कि कई बार यहाँ पे आपका एक यूजर के नाम से एक फोल्डर होता है, yes, sir. जब उसको खोलते हैं उसी के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स आपकी होती है, yes, sir. अगर नहीं पता चलता, कंप्यूटर खोल के यहाँ से भी ऑप्शन होता है लाइब्रेरी में, यहाँ से ऑफ किया होता है, यहाँ से खोल लिया करो, ठीक है। ये बटन आपको, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी, यहाँ से डॉक्यूमेंट में चले जाओगे और यहाँ पे सेव करते हैं फाइलें मसाई, yes, हर सॉफ्टवेयर ये याद रखना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उनका डिफॉल्ट फाइल सेव होने की लोकेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स ही होती है। अगर आप मल्टीमीडिया को वीडियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, कोई फाइल आपने बनाई और बना के सेव कर दिया, पूरे कंप्यूटर में ढूंढ रहे हो नहीं मिल रही, तो वो कहाँ होगी, डॉक्यूमेंट्स में होगी वो फाइल, ठीक है। उसकी डिफॉल्ट सबने यही की होती है सब सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वर्ड ऑप्शन में क्या चीज़ है जी, बाकी इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, अकेली अकेली बात को डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल पॉइंट है क्योंकि उस वक्त समझ आएंगे, जब तक ये थोड़ी बहुत ये बातें आपको समझ आएंगी, ये पैराग्राफ कैसे लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए इतना आज के लिए काफ़ी हो गया, ठीक है। आप उसके बाद न्यू के अंदर आपने पढ़ा था ये ब्लैंक में सर, ठीक है, खाली पेपर चाहिए, लिखा है इंस्टॉल टेम्पलेट, ये पहले से पड़े हैं टेम्पलेट, इसके अंदर कोई भी आपने इंस्टॉल करवाना हो, इंस्टॉल टेम्पलेट्स लिखा हुआ है ना, टेम्पलेट किसे कहते हैं, मैंने बताया था कल, किसी को पता हो टेम्पलेट बनानी हो तो, अगर मैंने अदील को कहा भाई सीवी बनाओ, ये कहता मुझे सीवी का पता ही नहीं कि नाम कहाँ लिखना है, फादर नेम कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी कैसी तरतीब होगी, कैसी तरतीब। मैंने कहा इसको बुक्स बनाओ, ये कहता मैंने आज तक बनाई नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ के टेम्पलेट में चेक कर लेना बुक्स के फाइल को और देखना कैसे बनाते हैं बुक्स, उस तरह की उसी जैसी नहीं बनानी, लेकिन उसकी तरतीब से, उसकी जो उसने तरतीब दी होगी, इस तरह तरीके से बना लेना। टेम्पलेट इसे कहते हैं, कोई भी चीज़ नहीं बनानी आती, टेम्पलेट में चेक कर लो, ठीक है। विजिटिंग कार्ड बनाना है आपने, टेम्पलेट में चेक कर लो, किसी का विजिटिंग कार्ड बना होगा, उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन सर इसका तो इंटरनेट के साथ है ना कनेक्शन, नहीं इसका नहीं, कनेक्शन नीचे वाले का है, देखे उसके ऊपर लिखा है टेम्पलेट्स, वो खुद से दिए हुए, नीचे का हेडिंग पढ़ो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट होगा तो मिलेगा वरना नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हो या ये सारी चीजें लेना चाहते हो तो आप इंटरनेट भी लगवा के मुझसे लेके, तो ये सारी फाइलें आप, ये कैसे करनी होगी, आप इस तरह एक मरतबा खोलो, खोलने के बाद कोई भी चीज, अभी नेट चल नहीं रहा शायद, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, चलो इसे, कल मैंने बताया था, वो खोलो, खोलने के बाद जो फाइल ओपन हो जाए डाउनलोड होकर जल्दी उसको सेव कर लो, सेव करके इसी फोल्डर में रख लो, फोल्डर अपने पास ले जाओ, ठीक है। इंस्टॉल टेम्पलेट आपके पास पहले से अवेलेबल है, किसी पे भी क्लिक करो, ये देखें फैक्स का है, ठीक है, किसी को फैक्स भेजना हो, ठीक है, फैक्स पता है किसे कहते हैं, किसी चीज, मैं यहाँ से आम कटवा के आधा किलो भेज सकता हूँ, वो किसी चीज के अंदर शामिल है, इन्फॉर्मेशन जैसे टैक्स की फाइल है, वर्ल्ड की फाइल है, मैं इसको इसी तरह फैक्स भेजना चाहता हूँ, वो जाके मशीन से खुल के सामने उसके आ जाएगा, पेपर निकल के सामने आ जाएगा, इसे फैक्स कहते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद माई टेम्पलेट्स, खुद के टेम्पलेट ये वाले, अब यहाँ पे सेव भी करवा सकते हो, जो कल हमने खोले थे वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं सारे, ठीक है। अभी देखो एक फॉर्म है, किसी को फॉर्म नहीं बनाना आता, वो यहाँ से एक फॉर्म चेक कर ले, ठीक है। ये इस तरह फॉर्म लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, उसकी मतलब जात कौन सी है, लेवल स्कूल कौन सा है, ये सारा का नेम, फोन, डेट, इस तरह लिखने के बाद फॉर्म बना के बाहर निकाल दो, किसी भी कंपनी का नाम वगैरह लिख, ठीक हो गया। अच्छा, न्यू के बारे में डिस्कस हो चुका है तकरीबन सारा के सारा, ठीक है। ये आपकी वो रिसेंटली मैंने पहले बता चुका हूँ, क्या कहते हैं किसे, रिसेंटली किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले,
रिसेंटली पहले बता चुका हूँ, अल्लाह के मदद दोबारा देखो इधर ऑफिस। अब ये फाइल कौन सी है? ये क्या लिखा है ऊपर? ये हिस्ट्री कौन सी है? ये क्या चीज है जो हमने दो मिनट पहले फाइल बनाई है? दो मिनट के घंटा, चार घंटे पहले। आप देखो ये फाइल मैंने पहले खोली थी ना, हमने वहाँ बना के सेव करवाई ना, जब डिफॉल्ट फोल्डर समझा रहा था ना, ये दोबारा खोलूंगा तो वो फाइल इसी तरह खुल जाएगी। इसी तरह रिसेंटली न्यू के अंदर ये देखो उसने लिखा है रिसेंटली यूज टेम्पलेट। सब अब से पहले जो आपने रिसेंट के लिए मतलब ये फॉर्म खोला था ना अभी मैंने, इससे पहले फैक्स वाला खोला था याद है? अभी मैं पहले तैयारी मतलब कमरे में बैठा हुआ ये वाला खोला था, जो रिसेंट वाले वो इससे पहले खुले थे वो आ गए। ठीक है, हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का पता चल गया आपको। देखें ब्लैंक पे आपने अब ये सिलेक्शन हुई है, यहाँ पे देखें खाली वर्का नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसने आसान करके ये वर्जन पेश किया है। ठीक है, उसके बाद न्यू फ्रॉम एक्सटेंशन। न्यू फ्रॉम मतलब कोई भी एक्सटेंशन हो, आप उसको फाइल को खोलना चाहते हो, कोई नई फाइल खोलनी तो आप यहाँ से खोल सकते हो। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी की सारी पढ़ ली, मतलब कि हमारा ये वाला ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ये सर्च है, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो आप इसके जरिए से। ऊपर देखो, जब मैं इस पर क्लिक नहीं किया था मैंने क्या लिखा गया, सर्च माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन फॉर ए टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सर्च आप कहते हो कि यार मुझे कोई फॉर्म नहीं मिल रहा और इस लिस्ट में भी नहीं है, तो इसका नाम लिखे यहाँ पे सर्च कर लो, शायद वो मिल जाए नेट से कहीं से भी ढूंढ के, हमें यहाँ पे हमारी यहाँ पे व्यू करवा दे, हम उसको खोल सके। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है ओपन की। ओपन की ऑप्शन तो आपको बखूबी पता होगा। यस सर। ठीक हो गया। यस। अच्छा, ओपन के बारे में पता है और सेव और सेव एज के बारे में पता होगा, तो दोबारा पता करवा देता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो गई। सेव और सेव एज में फर्क क्या है? सेव पहले वाला सेव जो है, चलो ऐसे ही समझाता हूँ जैसे पहले समझाया था, कि जब तक मैं कोई भी फाइल नहीं मतलब उसमें कुछ काम नहीं करता, फाइल खोली, खोलने के बाद उसमें कुछ वर्क नहीं किया, ब्लैंक मेरे पास है। अब इस वक्त मेरे पास सेव और सेव एज दोनों ही एक ही मायने में है। ठीक है, ठीक है, सेव और सेव एज दोनों हमारे लिए एक ही लाइन में खड़े हैं इस वक्त, कि एक ही काम कर सकते हैं दोनों, किसी की हम ताकत दोनों की ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब मैंने कुछ भी लिख लिया यहाँ पे, लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, दोनों की ताकत इस वक्त एक ही है, दोनों के कंट्रोल दोनों के पास एक ही है, वो फाइल को सिर्फ सेव ही कर सकते हैं। ये बेशक सेव एज पे क्लिक करूंगा तो भी वही डायलॉग बॉक्स आएगा, अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूं तो भी एक डायलॉग बॉक्स वही आता है। फर्क क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू के नाम से बल्कि फर्स्ट वन के नाम से मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरी एक फाइल सेव, जब ये फाइल मैंने सेव कर ली, अब दोनों में जमीन और आसमान का फर्क हो। Yes, क्या फर्क हुआ कि अब सेव पे क्लिक करूंगा तो जो फाइल मैं वहां जाके एक डायलॉग बॉक्स खुला था, नेम दिया उसका, फाइल नेम देने के बाद मैंने सेव करवा दी है, अब जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे लिखने के बाद अगर मैं जाके सेव पे क्लिक करूंगा उसी फाइल के अंदर सेव होगा जो हमने अभी सेव करवा के आए हैं। Yes, अगर मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ कुछ लिखने के बाद, सेव एज पे क्लिक किया तो उसी फाइल के अंदर नहीं जाएगा, वो क्या डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आ गया, वो हमें बताना चाहता है यूजर को, भाई एक नया नेम दो। ठीक है, नया नेम देने के बाद एक दूसरी फाइल क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ फर्स्ट टू कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गई। ठीक है, अब यो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जो मैंने लिखा था डाटा, वो पहली फाइल में सेव है जो मैं सेव पर क्लिक किया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सेव एज में, तो सेव एज में हो गया लेकिन सेव वाली फाइल में नहीं हुआ होगा। Yes. और सेव एज के अंदर ये सारे का सारा हो गया और सेव के अंदर सिर्फ इतना ही हो गया। सर, एक क्वेश्चन ये, सेव के अंदर जब हम एक फाइल करते हैं तो जी, फिर दूसरा वही डाटा जब हम दोबारा सेव करते हैं, नाम चेंज नहीं करते, उसी फाइल के अंदर जाता है। हाँ, मैंने आपको बताया था एक ही लोकेशन के अंदर दो नाम वाली एक चीज जमा नहीं हो सकती, तो डॉक्यूमेंट इसकी एक्सटेंशन दोनों की DOCX है, तो नाम भी एक हो नहीं, कंप्यूटर आपको आपकी बात मानेगा ही नहीं, फिर भी एक ही नजर आएगा। वो कहता है एक में ही सेव करो,
नाम चेंज कर सकेगा तो ठीक है, वरना वहीं पे रिप्लेस करवा देगा, जैसे कि हमने क्रैक फाइल की रिप्लेस करवाते हैं। पहले वाली खत्म हो जाएगी, पहले वाली खत्म कर देगा, उसको उठा के साइड पे कर देगा, उसकी जगह आप खुद ले लेगा। हमें ये नजर आएगा कि रिप्लेस कर दी, उसके ऊपर लगा दी और उसको खत्म कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसकी जगह ले ली। समझ आई किसी को? ठीक हो गया। हाँ, सेव के अंदर, सेव एज पे जब क्लिक करते हो तो वो एक नई फाइल सेव होगी, पिछले वाला जो लिखा हुआ था वो भी साथ होगा, जो नया लिखा वो भी साथ हो जाएगा। ठीक है, अगर सेव पे क्लिक करते रहेगा तो उसी फाइल के अंदर जो आप बनाई है उसी के अंदर सेव, कंट्रोल एस करते जाओ, कंट्रोल एस करते जाओ तो उसी के अंदर होगा। अगर आपने कंट्रोल एस नहीं करते हो तो आप सेव एस पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, देखें उसने सबके सबके देखें जो है ना शॉर्टकट, जब किसी भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसके ऊपर लेके जाते हो अपना पॉइंट, उसके शॉर्टकट नजर आता है। इसका शॉर्टकट क्या है? F12, याद रखना। ठीक है ना, अब इसका क्या है, कंट्रोल कंट्रोल एस, ओपन का क्या है, कंट्रोल ओ, न्यू का क्या है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन होगा, कंट्रोल कंट्रोल एन है इसका, उसने दिया नहीं। ठीक है, कंट्रोल पी का प्रिंट का होगा, ठीक हो गया। आवे समझ किसी को? यस सर। ठीक हो गया। सेव और सेव एज का, सेव एज के अंदर हमारे पास क्या है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, सेव द डॉक्यूमेंट इन द डिफॉल्ट फाइल, ये आप कर सकते हो। डिफॉल्ट फाइल कौन सी है, जो हमारी DOCX वाली एक्सटेंशन होगी वो डिफॉल्ट ही है फॉर्मेट। ठीक है, वर्ल्ड टेम्पलेट एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हो उसको, टेम्पलेट होगा कहा जाएगा। ये वर्ल्ड 97, इसके बारे में बताया था कि लो वर्जन में भी खुल सकती है। ठीक है, फाइंड एंड इनसेपरेशन फॉर अदर फाइल फॉर्मेट्स, इस पे क्लिक करने से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और किस तरह सेव करें, हम कोई एक्सटेंशन आपको करनी चाहते हो, कोई ऐसी एक्सटेंशन लेकिन आपको नहीं मिल रही तो आपकी उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सेव अदर फॉर्मेट, जब इस पे क्लिक करते हो तो इसका डायलॉग बॉक्स आ जाता है, इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू, आप जो सी करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं PDF फाइल बनाऊं और PDF सॉफ्टवेयर में खुले तो उसकी एक्सटेंशन भी यहाँ अवेलेबल होगी, TR HTML document.txt वॉपर, लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रही, कंट्रोल एस की कमांड से जाते हैं, लेकिन उसके लिए अलहदा से उन्होंने एक कमांड दी है शायद मेरे अंदाजे से, यहाँ पे उसकी कमांड अलहदा से होगी कहीं ना कहीं जगह ना, ऑप्शन है इसके अंदर। चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसकी बारी आएगी तो उसको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, सेव एज पढ़ रहे थे, इसकी अदर फॉर्मेट्स कोई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट की अभी कमांड पढ़नी है कि बाद में पढ़नी है? जी जी, मैं कहता हूँ ये दो तीन ऑप्शन थोड़े से सेंड, मतलब मेल का सेंड करना, ये अगर कंप्यूटर ये लेसन की लास्ट में कर लें, जैसे हम चलिए ऐसा करते हैं, आज इंटरफेस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें इसकी भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद डिटेल से भी जब दोबारा पढ़ेंगे तो जो पढ़ चुके होंगे उसको रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उसको साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले क्यूक XX बार ये है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन क्या है इसका, सेव का, कंट्रोल एस वाली कमांड। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे क्यों दी यार, यहाँ पे भी दे दी, यहाँ पे भी दे दी, उन्होंने क्या हर जगह ही दी रखी, क्यों दी यहाँ पे, क्यों दी उन्होंने, हमारी आसानी के लिए, आसानी के लिए। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे पड़ी है, सामने नजर आ रही है, फौरन क्लिक करो, फौरन सेव। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या है, अंडू और रीडू। अंडू रीडू पता है किसे कहते हैं? यस, कुछ टेक्स्ट हमने लिखा तो कंट्रोल जी से वो फिनिश हो जाएगा, और कुछ टेक्स्ट जो वापस हो ही जाना, कंट्रोल जी कर रहा हूँ पीछे की तरफ, वन बाय वन स्टेप पीछे जा रहा है मेरा, जहाँ से मैं शुरू हुआ था वहां से उस तरफ मुझे लेके जा रहा है। ठीक है, अगर कंट्रोल आगे मैं क्या है उसके पास, कंट्रोल वाई करता हूँ तो वन बाय वन आगे लेके जा रहा है, जहाँ से हम आए, जहाँ तक हमने लिखा था।
बस इसका काम यही है। अगर किसी ने कोई चीज़ लिखी है उसको डिलीट होगी तो कंट्रोल सी करके वापस ले आए, अगर कोई लिख रहा था वो डिलीट कर दी उसने दोबारा फिर उसकी तरफ जाना चाहता है तो कंट्रोल वाई करे वहाँ तक पहुँच जाए, एंड रीडू ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं यार सिर्फ तीन ही कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है, मैं और भी कुछ लाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक बटन बना हुआ है ठीक है कस्टमाइज का, ठीक है कस्टमाइज का बटन बना हुआ है वो वहाँ पे सारी की सारी कमांड्स में हमारे पास अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ ओपन का भी यहाँ लग जाए तो मैंने चेक लगा दिया ओपन भी हो गया ठीक है, कोई भी फाइल ओपन कर सकता हूँ। और लेके आना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे न्यू पे भी चेक लगा दिया तो न्यू भी लग गया ठीक है। ईमेल का लगा दिया क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू का लगा दिया, मैं ये चीज़ प्रिंट प्रीव्यू करना चाहता हूँ कि मेरे पेपर पे कैसे नज़र आएगी तो मैंने यहाँ पे इस तरह उसका बटन लगा दिया। जिसका लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अगर आपको ऐसी मतलब बटन लगाना तो आपको नहीं मिल रहा तो आप मोर कमांड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी कमांड्स जो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है वो सारी की सारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी आपको। इस पर जो चाहो जो कुछ चाहो वो लगा सकते हो ठीक है ना, जो चाहो फॉन्ट्स का लगा लो यहाँ पे, ड्रॉप डाउन में बॉर्डर स्टाइल लगा दो, जो कुछ भी लगाना चाहते हो आप। अच्छा आपको लगा के दिखाऊँ, आप चाहते हैं कि मैं इंसर्ट हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड करने से मेरे इस लिस्ट में आ गया और ये वो लिस्ट है जो वहाँ पे नज़र आएगी। ओके किया मैंने तो यहाँ पे इंसर्ट, अगर मैं चाहता हूँ वहाँ से ऐड तो करवा दिया लेकिन यहाँ से ख़त्म करवाना चाहता हूँ, ख़त्म कैसे होगा, यहाँ पे चेक लग चुका होगा, चेक को ख़त्म कर देते हैं। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर मोर कमांड में दोबारा जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं रिमूव करते हैं, जो नहीं चाहिए मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ ठीक है। इनको रिमूव करूंगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगी वहाँ से, ओपन गया ये गया, और किसी का ये भी ख़त्म हो जाए तो वो क्या करे, यहाँ से ऐड कर लिया ठीक है। ओके अब क्या है मेरे पास, सिर्फ ये तीन रह गए, बाकी जो डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो आ रहे हैं ठीक हो गया। ये देख ड्रॉ टेबल का है कि टेबल ड्रॉ करना, अच्छा ये जहाँ तक हो गया कि लाइन के नीचे क्या है मोर कमांड्स, अच्छा वो भी हो गया। शो बिलो बिलो द रिबन, ये क्या मतलब है, बिलो किसे कहते हैं, नीचे ठीक है नीचे। वो कहता है रिबन किसे कहते हैं, इसको कहते हैं ना, वो कहता है ये क्यों एक्स एक्स बार जो टूल आपके नजर आ रही है क्या आप इसको रिबन के नीचे रखना पसंद करेंगे, यहाँ पे अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे शो ब्लो कर दो तो यहाँ पे नजर आना चाहिए, लेकिन हमें बुरी लग रही है ठीक है। ऊपर करने के लिए अबव कर दो, अबव द रिबन, अबव हो गई ठीक हो गया ना। मिनिमाइज द रिबन, अच्छा ये चीज मिनिमाइज यहाँ से हो रही है कि मैं ये रिबन सारी के सारी ख़त्म कर दूं, अपना काम करूं, वैसे कि वैसे नज़र आ रही नीचे मेरा पेज सारा के सारा नज़र नहीं आता यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ ठीक है। अगर दोबारा लाना चाहते हो तो होम पे क्लिक करके दोबारा आ जाएगी, फिर ख़त्म हो जाती है वो। ये क्या चीज़ क्यों कहते हैं सॉफ्टवेयर ख़राब हो, सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं हुआ, ये चीज़ आपको चेक लगा हुआ है, इसको ख़त्म कर दोगे तो ये हो जाएगा ठीक है। ठीक हो गया अब ये देखें, ये चीज़ मुझे और तरीके से भी नज़र आती है। अब तैयब वो पंगे ले रहा था सॉफ्टवेयर से, अब इसने इंसर्ट पर डबल क्लिक कर दिया फिर गैर, इसने कहा उस्ताद ने ये चीज़ बताई नहीं थी, उस्ताद ने बताया था सिर्फ यहाँ पे चेक लगाया होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ से डबल क्लिक करने से चेक दोबारा वहाँ जाके लग गया है, ये बात याद रखना है। छोटे छोटे पंगे हैं उसको याद रखोगे तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा ठीक है ना। दोबारा डबल क्लिक करता हूँ दोबारा फिर हमें शो हो गया, डबल क्लिक किसी में भी क्लिक करता हूँ, ये नहीं इंसर्ट पे क्लिक करता, अब होम पे किसी ने एक मरतबा क्लिक किया अगर वो नहीं खुला था तो शायद कंप्यूटर हेल्थ था या रैम की वजह से कुछ मसला था, उसने डबल क्लिक कर दिया, थोड़ी देर के बाद उसकी ये चीज़ गायब हो गई ठीक है ना मुराद खान, आपके शायद आपके पास ये मसला ना आ जाए ठीक है। ये भी समझ आ गई इसकी सारी की सारी, पूरी की पूरी ड्रॉप डाउन में चली गई ठीक हो गया। अब मैं होम में आ गया, अब होम में आने के बाद ये पेस्ट है, पेस्ट का पता है किसी को, किस अल्लाह वाले को पेस्ट का नहीं पता, वो कॉपी करना पेस्ट करना ये वाला कॉपी पेस्ट ठीक है। तो और इसके अंदर थोड़े से मेन्यूज हैं पेस्ट स्पेशल का, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी मतलब कल के लेसन में, इसको डिटेल से जो आज पढ़ा है ना उसको डिटेल से पढ़ेंगे, अगर आज मैं बताना शुरू कर दूँ तो लेसन लंबा हो जाएगा, टाइम भी खत्म हो जाएगा ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंप्यूटर के आप
हाँ, नेट के अंदर से आप कोई भी फाइल बना के लेके आते हो, उसके अंदर बहुत सारी जगह आपने कलर मुख्तलिफ होते हैं पैराग्राफ के, कई जगह वो हाइपर लिंक लगा होता है, आप वो क्लिक करोगे तो वो फाइल खुल जाती है, कई जगह कुछ होता है, कई जगह कुछ होता है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट, मतलब इस फॉर्मेट में आ जाए, इस टेक्स्ट के ब्लैक कलर में आ जाए, तो उसको पेज स्पेशल करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल एक्स की कमांड, इसका पता है किसी को? काट करता है। और ये क्या है? कंट्रोल सी कॉपी। और ये क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जी जामिया तुर रहीम, ठीक हो गया, जामिया तुर रहीम। देखिए जामिया तुर रहीम इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसलिए उसने गलत कर दिया, लेकिन है सही है, क्योंकि उर्दू के सॉफ्टवेयर किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया, तो काम भी वो अंग्रेजों वाले करते हैं लोगों पर, ठीक है ना। लेकिन जामिया तुर रहीम हमने इस तरह कर दिया, इसको इग्नोर करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, जामिया तुर रहीम को थोड़ा सा यहाँ से मैंने फॉन्ट इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 11 है मेरे पास, मैं कर देता हूँ यहाँ से 25 क्या बड़ा हो गया, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका कलर कर देता हूँ जी रेड, कौन सा किया? रेड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये चीज़ अप्लाई हो गई, और यहाँ पे जामिया को मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, मोटा करने के लिए मेरे पास कमांड है बोल्ड की, बोल्ड की, ठीक है, बोल्ड मैंने दबाया, इसको मोटा कर दिया, ठीक है, जामिया बड़ा हो गया, ये दूसरा लहरा हो गया, ठीक है। और रहीम को मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, अंडरलाइन जानते किसे कहते हैं? टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, ठीक है। और तुर को मैं जामिया तुर रहीम को इसको मैं अटैली कर देता, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा राइट की जानी, ठीक हो गया। तीनों चीज अप्लाई होगी, बोल्ड भी अप्लाई होगी, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी अप्लाई हो गई, और मैंने साइज भी अप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। अब ये देखिए मैं नीचे लिखा मैंने फिर दोबारा जामिया, मैं ये चीज खत्म कर दूंगा यहां से, ये वही स्टाइल से लिखा जा रहा है, इसको मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है। ब्लैक क्यों नहीं हो रहा है? जामिया तुर रहीम ठीक हो गया, मैं समझ गया, ठीक हो गया। अब इसका साइज है जी 12, ठीक है। यहाँ पे अभी पेजेस के मुख्तलिफ जगह पे मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का जामिया तुर रहीम लिखा हो, और इस तरह के जामिया तुर रहीम बहुत सारे लिखे पड़े हैं मुख्तलिफ, मतलब 100 पेजेस है मेरे जामिया तुर रहीम कई जगह इस तरह लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार जो एक सेटिंग मैंने कर ली ना जामिया तुर रहीम पे, इस पे पहला बोल्ड है, थोड़ा थोड़ा सा इटैलिक है, थोड़ा सा ये अंडरलाइन है, यही चीज मैं सब पे अप्लाई करवाना चाहता हूँ, और इसका जो साइज है 25 है, ठीक है, और कलर इसका रेड है, यही चीजें 4-5 मैंने कौन कौन सी ऐड की है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज और कलर, ये 4-5 चीजें मैं इस पे सेट कर दी। मैं चाहता हूँ यही चीज मेरी ये इस जामिया तुर रहीम पे भी सेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सिलेक्शन लूंगा, लेने के बाद मैं फॉर्मेट पे क्लिक किया, करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन ले सकता हूँ जितने इसे पे करना, नहीं तो मैं इसके शुरू में जाके ये देखें थोड़ा सा राइट की जाने उसने टेढ़ा पॉइंट मेरे पास है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके पास अप्लाई हो जाते हैं। जामिया तुर रहीम, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है मेरे पास, ये एक फॉन्ट का है मेरे पास, लेकिन इस तरह का तो नहीं है, वो नहीं आया ना, तो मसला बन गया उसका, फॉर्मेट
साइज ले जाता है उसका, लेकिन अंडरलाइन और बोल्ड इटैलिक क्यों नहीं किया उसने? चलिए इसको देखते हैं बाद में, कैंसिल लेने में सारा सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? यस। अच्छा, ये पेस्ट कट और कॉपी और ये बॉडी का ये फॉन्ट है, फॉन्ट का पता ही आपको सब, बोल्ड इटैलिक, ये क्या चीज है? कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उस पर लाइन लग जाती है उसके ऊपर, जिस तरह लिखा होता है ना, जो आपने पेप्सी की बोतल देखी हो भाई, 40 कार्ड के लिखा होता, 35, 40 की नहीं 35 की हो गई है, इस तरह का वहाँ पे आप लगा सकते हो, वहाँ पे लाइन यूज होती है। हाँ, वहाँ पे लाइन यूज होती, ठीक है। और उसके आगे क्या है, एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है। आप क्या करते हो, जिस तरह रियाजी है, ठीक है ना, इसको ख़त्म भी करना पड़ता है रियाजी। जो आपने ए लिखा, अब अदील कहता है ए की ताकत 2 है, ऐसा होता है? यस सर। ए की ताकत 2 की तो ऊपर चलेगी 2, ठीक है, वरना ऊपर नहीं जाएगी अगर ये क्लिक ना करोगे, ठीक है ना। जिस तरह आप कहते हो जी, जो 2 है ये 2 है, ये असल में ए है, जिस तरह भी आप कहते हो वहाँ पे रियाजी में ए हो गए, ठीक है। इस तरह ऊपर नीचे लिखने के लिए ये है, ठीक है। उसके बाद अपर केस है, लोअर केस है, इसके बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ये क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ASDF, ये अपर केस में लिखा है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ लोअर केस, तो लोअर केस में चला जाएगा, अपर केस में चला जाएगा, ठीक है। ये पेनल लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा इस ऑप्शन से, ठीक है, कैपिटलाइज में चला जाएगा तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये क्या है, पेनल लफ्ज़ छोटा हो जाएगा, ऊपर उन्होंने दिया भी हुआ है उसका व्यू, ठीक है ना। पहला टी छोटा है उसके बाद बढ़े, पहला सी छोटा है उसके बाद बढ़े, इसी तरह ये होगा, पहला लफ्ज़ छोटा हो गया बड़ा हो गया, ये शायद किसी को ज़रूरत पड़े इसकी। और ये क्या चीज़ है, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, और ये उसका अपना कलर है, ठीक है। कलर उस वक्त अब अप्लाई नहीं होता जब तक आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर लेते, ठीक है, सिलेक्ट करोगे तो अप्लाई होगा, ठीक है। और ये अंडरलाइन, ये दरमियान में है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये जस्टिफाई, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं कल को। कल को इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा होम को पूरे को पूरे को यहाँ तक पढ़ना, ठीक हो गया, पूरा पढ़ के और इंशाल्लाह इंसर्ट के बारे में थोड़ा बहुत इसका व्यू लेना, ठीक हो गया, इसको करके और इंसर्ट पे भी जाना है हमने, कल इंसर्ट भी थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़े से दिनों में ख़त्म करके हमने इसके साथ वाले पैकेज शुरू करने हैं, ठीक है।